किया हुआ जब मथुरा की खुदाई में मिले 3000 साल पुराने दिव्य अस्त्र। आखिर कब हुआ ये चमत्कार और इन अस्त्रों का संबंध किन से बताया जा रहा है? इस घटना में इसी रहस्य से पर्दा उठने वाला है। शुरुआत करने से पहले सभी कृष्ण प्रेमी कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखिएगा। इस घटना की शुरुआत होती है मथुरा शहर में ही रहने वाले सुनील जी डामोर से, जो कि पेशे से एक मजदूर थे और सरकारी ठेकेदार के अंतर्गत मजदूरी का काम किया करते थे। उनकी 3 वर्ष पूर्व शादी हुई थी और उनकी पत्नी 8 माह की गर्भवती थी। उनकी दिली इच्छा थी कि वो अपने बच्चे की डिलीवरी एक बहुत अच्छे प्राइवेट हॉस्पिटल में कराए, लेकिन उन्हें रोजाना के मात्र 350 रुपये मिलते थे, जिस वजह से वो संभव नहीं था। उन्होंने अपने घर में लड्डू गोपाल भी रखे हुए थे, जिनकी वे दोनों पति पत्नी रोजाना दिल से सेवा किया करते थे, उन्हें भोग लगाया करते थे। लेकिन सुनील जी को इस बात का अंदाजा नहीं था, लड्डू गोपाल उनके साथ एक ऐसी लीला रचने वाले थे जिसके बाद उनकी जिंदगी पूरी तरह से बदल जाएगी। बात है सन 2020 जून के महीने की। मथुरा के डिग्गेट क्षेत्र में नगर निगम द्वारा सिविल लाइन में खुदाई का काम चल रहा था। कुछ मजदूर अनुपस्थित होने की वजह से वहां के निजी ठेकेदार ने सुनील जी को वहां पर खुदाई करने के लिए बुला लिया। खुदाई का काम जोरों शोरों से चल रहा था। अगले ही दिन करीब 8 मीटर की गहराई में सुनील जी को उस स्थान पर से पत्थर की एक मूर्ति मिली, लेकिन जब उस मूर्ति को बाहर निकाला जा रहा था तब वो मूर्ति क्षतिग्रस्त हो गई। उसी स्थान पर और खुदाई करने पर एक बहुत पौराणिक शिला लेख प्राप्त हुआ, साथ ही में एक बहुत अनोखी चीज प्राप्त हुई जो एक चक्र के समान प्रतीत हो रही थी। लेकिन ये सारी पौराणिक चीजें अगर दुनिया की नज़र में आ जाती तो उस स्थान पर खुदाई का काम रुक जाता और ठेकेदार के पास से उस स्थान का टेंडर भी चला जाता। इसलिए ठेकेदार ने उन सभी चीज़ों को अपने पास रख लिया और इस बारे में किसी को भी कोई सूचना नहीं दी। सुनील जी के साथ साथ अन्य और 4 मजदूर इस राज के बारे में जानते थे, लेकिन वो अपने मालिक के खिलाफ नहीं जा सकते थे। और खुदाई का काम पहले की ही तरह पुनः चलने लगा। लेकिन 3 दिन के बाद कुछ ऐसा हुआ, जानकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। रात्रि में स्वयं लड्डू गोपाल सुनील जी के स्वप्न में आ गए और उनसे कहा, खुदाई में जो प्राचीन मूर्ति और अस्त्र मिले हैं वो काफ़ी पौराणिक है, उन्हें ठेकेदार के घर में नहीं बल्कि एक उचित स्थान पर होना चाहिए। और जैसे ही सुनील जी की नींद खुली वे पसीना पसीना हो गए। अगले ही दिन उन्होंने नगर निगम जाकर सरकार को यह सूचना दी कि सिविल लाइन में खुदाई के दौरान एक बहुत ही पौराणिक मूर्ति, एक शिलालेख और एक प्राचीन अस्त्र प्राप्त हुआ है जिसकी जानकारी आपसे छुपाई गई है। उसके बाद पुलिस द्वारा उस पौराणिक मूर्ति को प्राप्त कर लिया गया, उस शिलालेख और उस अस्त्र को भी प्राप्त कर लिया गया। उस ठेकेदार को निलंबित करके सुनील जी को उनकी ईमानदारी के लिए 4 लाख रुपए अदा किए गए। जब उन मूर्तियों और अस्त्रों का बारीकी से परीक्षण किया गया तो यह पाया कि यह मूर्ति कुषाण काल के भी करीब 3 से 4 हजार साल पुरानी है। वो अग्निदेव की मूर्ति थी, साथ ही में जो अस्त्र प्राप्त हुआ था वो काफ़ी पौराणिक लग रहा था, जिसके बाद इन्हें डैम्पियर नगर स्थित संग्रहालय प्रशासन को सौंप दिया गया। सुनील जी को जो पैसे मिले थे उनकी सहायता से उन्होंने अपने बच्चे की डिलीवरी एक बहुत अच्छे प्राइवेट हॉस्पिटल में कराई और उनका ये सपना भी साकार हो गया। दोस्तों, अगर हम सच्चाई और ईमानदारी के साथ चले तो भगवान हर कदम पर हमारे साथ रहते हैं और हमारे हर सपने को पूरा करते हैं। इस घटना को लेकर आप क्या विचार रखते हैं हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो लाइक करें और जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। अभी के लिए आप सभी को हर हर महादेव।